तमाम कोशिशों के बाद भी लखनऊ की कमिश्नर पुलिस मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। अब्बास के खिलाफ महानगर कोतवाली में धोखाधड़ी से शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करने की FIR दर्ज है और ये मामला MPMLA कोर्ट में चल रहा है। अब्बास अंसारी लगातार कोर्ट से गैर हाजिर चल रहा था, तमाम समन भेजने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद MPMLA कोर्ट ने महानगर कोतवाली की पुलिस को आदेश दिया कि मुख्तार के बेटे को पकड़कर हाजिर किया जाए। इसके लिए 27 जुलाई तक की समय सीमा दी गई थी, हालांकि महानगर पुलिस असफल रही और अब्बास का कोई पता नहीं लगा सकी। समय की मियाद बढ़ाई गई, 10 अगस्त तक ढूंढने का आदेश दिया गया, इसमें भी महानगर पुलिस अब्बास को नहीं गिरफ्तार कर सकी। अब ये समय सीमा बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी गई है। देखना ये होगा कि 25 अगस्त के पहले पहले क्या महानगर कोतवाली की पुलिस अब्बास अंसारी को पकड़ पाएगी या फिर अब्बास अंसारी कोई तिकड़म करके कोर्ट में हाजिर होगा या जमानत ले लेगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।